अस्पताल में वर्बल अटैक किया है। सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उनकी थी धमकियों से भरी हुई थी, जो रात को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसका जवाब मैंने दिया, उसमें भी बायकॉट की धमकी थी, फैसला मुस्तरद करने की। कौम आपको मुस्तरद कर चुकी है, आपने फैसलों को क्या मुस्तरद करना है। 20 ज़िमनी इलेक्शन हुए, पूरी पीडीएम ने पूरा जोर लगाया, कौम ने आपको, आपके बयानिए को, आपके मौक़िफ़ को, आपकी क़यादत को मुस्तरद कर दिया। आप कह रहे हम बायकॉट कर रहे हैं, पूरी पाकिस्तानी कौम आपका बायकॉट करेगी, वकला कम्युनिटी आपका बायकॉट करेगी कि आप हमलावर हो रहे हैं आईनी इदारे पर, आप हमलावर हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट पर, आप हमलावर हो रहे हैं आईन पाकिस्तान पर। और ये लोग नोट कर रहे हैं, यही बेंच आपके हक में फैसला दे दे तो बहुत उम्दा है, और वही आपसे सवाल करे और आप सवालों में उनको कायल न कर सकें, जवाब बनता नहीं है, कहने को कुछ है नहीं, तो आप इस किस्म की धौंस और धमकियां दें ये कोई कबूल नहीं करेगा। पीडीएम की आदत के खिलाफ आप अदालत से रजू करेंगे इनके खिलाफ मुकदमा? इनकी हैसियत ही ख़त्म हो रही है भाई, ये मुस्तरद लोग हैं, आवाम मुस्तरद कर चुकी है। इनका मौक़िफ़ इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कानून की नज़र में भी, आईन की नज़र में भी, और आवाम की नज़र में मुस्तरद होने जा रहा है। बिहाइंड द सीन की बातें चल रही हैं इलेक्शन के हवाले से? नहीं सर, इस फैसले की कितनी अहमियत होगी? सर इस फैसले की कितनी अहमियत होगी अगर ये एक्सेप्ट नहीं करते? इस फैसले की फजूल बात है सर, इस फैसले की कितनी अहमियत होगी अगर ये एक्सेप्ट नहीं करते इस फैसले को पीडीएम की तमाम जमातें? इनकी कोई वक्त ही नहीं रही भाई जान, इनकी कोई आवाम में हैसियत ही नहीं रही, ये इनकी खाम ख्याली है। लिबर्टी चौक में इन्होंने आजमाया कि देख नहीं लिया, यकजहती का मुजाहरा किया था, लाहौर में लोगों को बुलाया था, कितने लोग आए थे, लाहौर मुस्तरद कर दिया, लाहौर के लोगों ने मुस्तरद कर दिया। सर पीटीआई के जो पुराने اعتراضات थे अदालत से वो खत्म हो गए? तो वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल के निशान पर भी क्लिक करें ताकि हर वीडियो आपको मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह।